कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्यार भरा नमस्कार मेरा सभी दर्शकों का। रक्षाबंधन बहुत ही शुभ मौका है हमारे लिए, क्योंकि जब पहली फिल्म हमारे निर्माता JMK एंटरटेनमेंट के निर्माता वेदांत झा जी ने प्लान किया तो उसका मुहूर्त भी पिछले साल रक्षाबंधन के दिन ही हुआ था। तो रक्षाबंधन चूँकि शुभ मौका है तो इन्होंने फिर से एक फिल्म प्लान की है, पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा बहुत शुभ दिन माना जाता है, तो इन्होंने एक दूसरी मूवी अनाउंस की है मैथिली में, उसका मुहूर्त अभी संपन्न हुआ है। तो किस तरह के स्टार कास्ट आपके इस फिल्म में होंगे? देखिए अभी कास्टिंग तो हुई नहीं है, कास्टिंग होने में थोड़ा वक्त है, और वंस अगेन हम ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जितने भी एक्टर होंगे वो सब थिएटर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे, उनका वास्ता थिएटर से होगा, रंगमंच से जुड़ा होगा अनुभव उनका। और कहानी की बात करें तो कैसी कहानी है इस फिल्म में आपकी, इस नई वाली फिल्म में? देखिए वेदांत झा जी जब कभी भी फिल्म प्लान करते हैं तो उनका एक सबसे अहम जो सोच है उनकी वो है कि सोशल इशू होने चाहिए, सामाजिक मुद्दा तो होना ही होना चाहिए, और एक फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ संदेश जाए समाज को, क्योंकि जैसे साहित्य को समाज का आईना कहा जाता है उसी तरह से सिनेमा समाज का आईना है, और साहित्य और सिनेमा ये दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो अच्छी फिल्म का निर्माण होता है। तो इस बार भी जो कहानी होगी वो सोशल इशू बेस्ड ही कहानी है। सर मैथिली भाषा की बात करें तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये भाषा विलुप्त तो होते सा नजर आ रहा था, आप लोग उसे जिंदा रखने के लिए बढ़ावा देने के लिए इस तरह की फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा भी पहली बार ही हो रहा है लगभग, तो कितना सपोर्ट मिल पा रहा है आपके मैथिली भाषियों से? देखिए ये बहुत अहम सवाल आपने कर दिया है। अभी जैसे हमारी पहली मूवी जो है JMK एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई है, वेदांत झा जी निर्माता हैं, तो उस मूवी का नाम आप सबको पता है जैसा कि आने वाली है, फिल्म का नाम है प्रेमक बसात, और बहुत खुशी हो रही है कि जैसा नाम है वैसा ही रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है प्रेमक बसात का, और ट्रेलर अभी अभी सेंसर से पास हुआ है, उसको UA सर्टिफिकेट मिला है ट्रेलर को, और फिल्म हमारी सेंसर बोर्ड में है, तो जब वो डेट देंगे तो फिर उसका भी सेंसर हो जाएगा। तो कब तक रिलीज हो रही है आपकी प्रेमक बसात? हाँ प्रेमक बसात जो है हम पहले अगले महीने ये फिल्म जो है नेपाल में रिलीज हो रही है, नेपाल के डिस्ट्रीब्यूटर से हमारी बात हो चुकी है, और जैसे सेंसर से सर्टिफिकेट मिलता है हमें तो फिर हम डेट अनाउंस कर देंगे नेपाल में, और अक्टूबर और नवंबर ये दो महीने हैं जिसमें कि प्रेमक बसात भारत के अलग अलग इलाके में रिलीज़ किया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी में लगे हैं हम लोग। इस फिल्म को लेकर के मैथिली भाषियों में भी बहुत उत्सुकता है, लोग देखना चाहेंगे? जी जी तो क्या क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए उनसे बस एक ही अपील मैंने बार बार की है और इस बार भी अपील कर रहा हूँ, उन्होंने अब तक ट्रेलर देखा है, उन्होंने गाने देखे हैं सुने हैं, आदित्य नारायण का गाना बहुत ही फेमस हुआ है, तोची राणा जी का सूफी गाना बहुत फेमस हुआ है, बाकी और भी गाने हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, तो लोगों से बस यही अपील है कि जब कभी भी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में ये फिल्म आए तो आप ज़रूर जाएँ देखने के लिए और सपरिवार जाएँ। मैं एक फिल्म अभी आपकी रिलीज में होने को है, दूसरी की तैयारी आपने कर ली है, तो क्या रीज़न रहा और क्यों ऐसा, मतलब आपने अभी? मैं इसका जवाब मैं देता हूँ। लोग जो है एक नहीं कर पाते हैं, आपने दूसरी की तैयारी। वेदांत जी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ इसका जवाब मैं देता हूँ। एक्चुअली क्या है, जो मैथिली में फिल्म जो आज तक जो भी निर्माता ने फिल्म बनाया हुआ है, पहले फिल्म बनाते बनाते वो इतना परेशान हो जाते हैं, दोबारा फिर वो फिल्म बनाने के लिए आते नहीं है जी। एक चीज़ है, तो हम लोग जब पहली फिल्म जब अनाउंस किए थे तो हम लोगों ने बताया था कि हम लोग कंटिन्यू फिल्म बनाएंगे और तब तक फिल्म बनाएंगे जब तक मैथिली इंडस्ट्री भी स्टेबल नहीं हो जाएगी। तो रिलीज होने के बाद अगर हम फिल्म बनाते या तो हम कमाते या तो कुछ भी होता तो पब्लिक ये सोचती शायद बहुत कमा लिया होगा इसके लिए फिल्म बना रहा है। फिल्म हमने इसके लिए आज अनाउंस किया, जब अभी हमारी फिल्म रिलीज नहीं हुई है और अभी कोई हमें कुछ नहीं बताया हमारा क्या फ्यूचर होने वाला है फिल्म का, फिर भी हम फिल्म बनाएंगे, उसका रिजल्ट जो भी होगा फिर भी फिल्म बनाएंगे। फिल्म तब तक बनाते रहेंगे जब तक हमारी मैथिली इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे आ ना जाए, भोजपुरी के जैसे या बाकी अन्य रीजनल मैथिली लैंग्वेज के जैसे। सर दो क्वेश्चन है आपसे, एक तो ये कि आप मैथिली ही क्यों बना रहे हैं, दूसरा ये कि और भी बहुत सारे आपको रास्ते हैं, आप बॉलीवुड में हैं, आप फिल्म भी बना रहे हैं, तो बॉलीवुड क्यों नहीं बनाया आपने, मैथिली ही क्यों सोची आपने, या फिर आप मैथिली से इसलिए सोची आपने कि मैथिली बनाया? देखिए क्या है, फिल्म बनाने का मकसद क्या होता है, कोई कोई कमाने के लिए फिल्म बनाता है, तो मैं बिजनेस पर्पज़ से फिल्म बनाया ही नहीं है, तो मैं बॉलीवुड का बना लेता या तो मैं भोजपुरी मूवी बनाता। मैथिली हमारा लैंग्वेज है, मैथिली से हमें बहुत प्यार है,
हमें इतना दर्द है, अगर मैथिली भी आज उठ गई होती मराठी फिल्म या बंगाली के जैसे फिर हम कोई भी फिल्म बनाते, लेकिन मैथिली फिल्म बन नहीं रही है, मैथिली कलाकारों को काम नहीं मिलता है, बहुत मतलब यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम लोगों ने सिर्फ ये प्लान किया हुआ है जो कैसे भी करके मेहनत करके, पब्लिक तो बहुत है मैथिल, 5-6 करोड़ मैथिल है पूरी दुनिया में, तो फिल्म देखेंगे सब, देखना भी है तो अच्छा फिल्म बनाऊंगा। तो एक बार हम लोग इसके लिए सोच रहे, जब तक अच्छा फिल्म बना के एक दो बार ट्राई तो करते हैं, पब्लिक बोलती है मुझे देखना है, फिल्म पहुँचती नहीं उनके पास, तो हम लोग पहुँचाने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ है वो कर रहे हैं अभी, तो मैथिली एक बार बन जाएगी। मैथिली फिल्म अगर अच्छा होगा फिर दोबारा हम लोग दूसरी फिल्म भी बनाएंगे, हिंदी फिल्म भी बनाएंगे, लेकिन पहले मैथिली को एक बार स्टेबल करेंगे उसके बाद। सर स्टार कास्ट की बात करें आपसे तो कुछ क्या है स्टार कास्ट फिल्म की, जो भी जो आप नया अनाउंस किया है आपने इसके अंदर क्या रखा? अभी देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ एक कहानी फाइनल किया हुआ है और वो कहानी जो है हमारे डायरेक्टर जो है प्रेम प्रसाद के रूपक जी, इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत अच्छे कहानी लिखते हैं। बाकी अभी हम लोगों ने कुछ क्यों नहीं फाइनल किया, क्योंकि नेक्स्ट एक मंथ तक हम लोग के पास टाइम नहीं है, हमारी जो मूवी रिलीज हो रही है उसके लिए हम लोग को बहुत बाहर जाना है, अक्टूबर से इसका प्री प्रोडक्शन वर्क चालू हो जाएगा, फिर सब डिसाइड कर लेंगे, स्टार कास्ट डिसाइड कर लेंगे, कहानी में क्या डिमांड है सब अभी कुछ नहीं पता, कहानी हम लोगों ने सिर्फ सेलेक्ट किया। रूपक जी अगर गाने की बात करें तो आपकी पिछली फिल्मों में वो सूफी गाना और तमाम रोमांटिक गाने भी देखने को मिले, तो इसमें किस तरह का म्यूजिक जनता को मिलेगा? म्यूजिक साहित्य और संगीत जहाँ नहीं होता है वो समाज नहीं होता है, और फिर से हमने अगर फिल्म प्लान की है तो संगीत तो ज़बरदस्त हम फिर से देंगे, वादा है हमारा, पूरी मेहनत की जाएगी इस बार भी इस फिल्म के संगीत में, जैसे कि पिछली बार जितने भी गाने बने हैं बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, मैथिली में सूफी पहली बार, मैथिली में कव्वाली पहली बार, लोक धुनों को नहीं छोड़ा है हमने, प्रयोग किए हैं हमने संगीत में, तो प्रयोग क्या होता है, कई बार सफल होता है कई बार असफल होता है, ये डर था हम लोगों को, लेकिन अब डर के आगे जीत है और वो जीत हमें हासिल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पब्लिक का प्यार बहुत मिल रहा है इन गानों पर। तो जो अभी अगली मूवी हमारी होगी जिसका कि मैं लेखक हूँ अभी, तो उसमें भी गीत संगीत पर बहुत मेहनत की जाएगी और यकीन है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएंगे उसके भी गाने। बस मेरे ख्याल निर्माण हो रहा है, इसके पहले भी एक निर्माण कर चुके हैं, तो सबसे पहले तो क्या शुभकामनाएं हैं रूपक और वेदांत जी के लिए? रूपक जी इतने इतने सुंदर डायरेक्टर हैं इतने अच्छे क्यूट क्यूट हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों, वेदांत जी और रूपक जी के को शुभकामनाएं मैं देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग बहुत तरक्की कीजिए, मिथिला की का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कीजिए आप लोग, और वैसे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक फिल्म अभी आपने जो बनाई है उसका भी पब्लिसिटी मैंने देखा है, बहुत अच्छी फिल्म है, और शायद वो कुछ सूफी टाइप की सूफी गाना है उसमें, हाँ सूफी गाना भी है, कव्वाली भी है, सो देख के अच्छा लग रहा है। और उस फिल्म से आप जुड़े थे कि जो अभी बनाई उन्होंने? मैं वेदांत जी और रूपक जी से जुड़ा हूँ, उस फिल्म में नहीं था, लेकिन इनकी आने वाली फिल्म में मैं कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैथिली में जरा मैथिली के दर्शकों को मैथिली भाषा में बोलिए आप कैसे आ रहे हैं इस फिल्म में और किस तरह का रोल होगा आपका? अहाँ सबके लिए एक्टर बड़ निक फिल्म रूपक जी वेदांत जी दोनों बनलखिन हैं, अहाँ सब जरूर आओ और फिल्म देखियो, जैसे वो फिल्म छलै सस्ता जिंदगी महक से नूर, और एक ठो और फिल्म ई आ रहल छै प्रेमक बसात मतलब सिंदूर महग नहीं चाहिए, प्रेमक बरसात अगर भेजता है तो सिंदूर सस्ता भेजा। आपको मैथिली से इतना लगाव है तो मैथिली में कितनी फिल्में अब तक आपने की हैं? लेकिन मैथिली फिल्में बनती ही बहुत कम है, इन्होंने बहुत साहस का काम किया, इन्होंने बहुत इनके अंदर हिम्मत है साहस है, ऐसी फिल्म इन्होंने शुरू की है, क्योंकि लोग अपने भाषा से आज सिर्फ बिहार के तरफ में ही ये प्रॉब्लम है कि लोगों को अपने भाषा से प्यार ही नहीं रहा, बंगालियों को अपने भाषा से बहुत प्यार है, जब भी 10 बंगाली खड़े होते हैं तो बंगाली में ही बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, लेकिन हम बिहारी जब 10 खड़े होते हैं 2-4 खड़े होते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, भोजपुरी और मैथिली में बात करना हम अपने आप को छोटा समझते हैं, जो एकदम गलत बात है। और इन्होंने जो प्रयास किया है मैथिल में एक बहुत दिनों के बाद एक नई शुरुआत हुई है, सो आपका थैंक यू बहुत बहुत आपका कोटि कोटि धन्यवाद,
मैं मिथिला वालों के तरफ से, मुजफ्फरपुर का मैं हूँ, बिहारियों के तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये साहस का कार्य किया है और आपने एक फिल्म शुरू की है मैथिली। और कई भोजपुरी फिल्में आपने किया, कई सीरियल्स किया, हंसने हंसाने का काम किया, रोने रोने का काम किया, तो इस फिल्म में आपको कितनी खुशी हो रही है चूँकि मैथिली भाषा की फिल्म है, आप मैथिली समाज से हो, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं पहले बहुत हंसाया हूँ लोगों को, बहुत सारे सीरियल किया, फिल्म किया, और इस फिल्म से मुझे उम्मीद है इन रूपक जी से कि रूपक जी ने फिल्म अच्छी ही बनाई होगी, क्योंकि मैंने जो इनका ट्रेलर और जो भी फुटेज देखा है, जो भी फ़ोटोज़ जो इन्होंने डाला है सोशल मीडिया पे, और मेरे एक दोस्त हैं राजू जी, उन्होंने जो भी मुझे भेजा है वो सब जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म अच्छी होगी और मिथिला वालों को बहुत मज़ा आएगा, मिथिलावासी या मिथिला वाले ही क्यों, पूरे बिहार की जनता देख सकती है, और पूरे बिहार के ही क्यों, जब नेपाल में भी रिलीज हो रही है, नेपाल में रिलीज हो रही है, और जब गुटरमू जैसा एक साइलेंट है जिसमें कोई कुछ नहीं बोलता है वो हिट हो सकता है पूरे भारत में, तो मिथिला तो फिर भी समझ में आने वाली भाषा है। वेदांत झा आपके बगल में बैठे हैं, उनके साहस को देख करके क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, वेदांत जी के साहस के मतलब की दाद देनी पड़ेगी कि आपने मैथिली के लिए ही सोचा, आप ये भी चाहते तो कर सकते थे कि भोजपुरी में बनाऊँगा या भोजपुरी क्या बनाऊँगा, हिंदी में बनाऊँगा और ऊपर उठ जाता हूँ हिंदी बनाऊँगा, और तो ये भी कर सकते थे, लेकिन वेदांत जी आपने मैथिल को ही चुना, पैसे तो उतने ही लगने हैं जितना भोजपुरी में लगता है, जितना हिंदी में लगता है, चलो हिंदी से कम लगता है लेकिन भोजपुरी और मैथिली तो सेम ही लगता है, लेकिन आपने मैथिली को चुना और मैथिली के लिए काम शुरू किया, इसके लिए वेदांत भाई के गोस्वामी जी की कोई गर्लफ्रेंड होगी आपकी फिल्म में? एक्चुअली हम लोग अभी उतना डिटेल में नहीं फाइनल करके रखा हूँ क्या इनका कैरेक्टर होगा, बाकी इनको आप देख के जो इनको पहले से देख चुके हैं सबको पता होगा ये क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, तो इनके लिए क्या स्क्रिप्ट होगा, ये क्या करेंगे किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि इनको लोग बहुत जगह बहुत दिनों से जानते हैं, टीवी पे भोजपुरी में सब टीवी पे बहुत जगह इनको देख चुका है, तो सब इनको किसी अगर बोल दिया के गोस्वामी जी हमारे साथ हैं समझ जाएंगे इनको क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ना, थैंक यू। अब उनको तीनों अपने अंतिम चरण में है और उसका सेंसर के लिए हम लोग ने अप्लाई कर दिया है, कुछ 15 से 20-25 दिनों के अंदर सेंसर हो जाएगा, और सेंसर जैसे होगा पहला फिल्म हम लोग नेपाल में रिलीज करेंगे। पिछले साल हमने इसी रक्षाबंधन के दिन संकल्प लिया था, मुहूर्त किया था मैथिली फिल्म प्रेमक बसात का, अभी इस साल भी हम लोगों ने संकल्प लिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वेदांत झा जी को जो JMK एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर हैं, और हम सब ने बहुत ही प्यारा टीम बना के एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया, और आगे भी आज जो हमने मुहूर्त किया है संकल्प लिया है उसमें आप सभी का प्यार दुलार आशीर्वाद चाहिए, एक ये फिल्म जो हम प्लानिंग किए हैं बनाने के लिए वो भी अच्छा से अच्छा बन के आप लोगों के बीच जाए और मैथिली फिल्म इंडस्ट्री स्थापित हो, बस इतना ही। मैथिली दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो प्रेमक बसात फिल्म आने वाली है उसको देखने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैथिली दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, मैथिली में कहना चाहब जे अपने सब गोटे के प्यार दुलार स्नेह आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि कन कन से धन और छन छन से विद्या, एक एक रुपया जमा करके आदमी करोड़पति बनता है, वैसे एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बनता, 4 साल लगते हैं MBBS में, 5 साल लगता है, उसी तरह मैथिली दर्शकों का प्यार, एक एक दर्शक अगर अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद देंगे तो 7.5 करोड़ मैथिल बैद्यनाथ डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू बोलते हैं 7.5 करोड़ में 1 करोड़ मैथिली हमारे फिल्म देखेंगे, और 10 रुपया भी देंगे तो हमारे पास 10 करोड़ आएगा, तो बहुत सारा प्यार स्नेह आशीर्वाद दुलार का जरूरत है, और खासकर प्रवासी मैथिल जो मिथिलांचल से पलायन कर चुके हैं उनसे निवेदन है जो आप लोग का प्यार एकदम भर के चाहिए, टोकरी भर के चाहिए, तभी कुछ हो सकता है मैथिली फिल्म बाजार का, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री का। मिश्रा जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपने इसके पहले प्रेमक बसात में काम भी किया हुआ है जी, और क्या शुभकामनाएं हैं उस फिल्म के लिए आपकी? मैं सुरेश चंद्र मिश्र सबसे पहले अहाँ समस्त मिथिलांचल मिथिलावासी के हम कोटि कोटि नमन करी छी, प्रणाम करी छी, अहाँ सबके बुझल अछि जे हम विगत 40 साल से अहाँ सबके सेवा करी छी, समाज के सेवा करी छी, दिन प्रतिदिन मैथिली भाषा लुप्त भऽ रहल अछि, और बहुत बढ़िया काज कला है हमर तरुण प्रोड्यूसर वेदांत जी, उनका सहयोग कुणाल जी दऽ रहल छथिन, रूपक जी डायरेक्टर छथि, अब भाषा ही संस्कृति के मजबूत करै छै,
भाषा जब खत्म हो जाते तो संस्कृति नहीं बचती। अतः मैं कई फिल्मों में, इस फिल्म में भी मैं एक अच्छा अब्दुल चचा के कैरेक्टर में हूँ। वैसे तो मैं वरिष्ठ समाज से भी हूँ, शिपिंग मिनिस्ट्री में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, एमटेनर का एडवाइज़र था, और मैं वेदांत जी को विशेषकर जो बहुत ही तरुण हैं, क्या ये इनकी 32 साल की है और इन्होंने ठान रखी है कि मिथिला भाषा को मैं बहुत ऊपर तक ले जाऊँगा, जन जन तक पहुँचाऊँगा। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं इनको। और मैं यही कहता हूँ, मुश्किल तो ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। क्या बांध पाएगी मुसीबतों की ये जंजीरें, रास्तों से कह दो ठहरा नहीं हूँ मैं। और उनके साथ साथ चलते हैं दुआओं का कारवा कारवा, साथ चलते हैं दुआओं का कारवा, किस्मत से कह दो तन्हा नहीं हूँ मैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से दिनकर जी की कविता के लिए उत्साहित करूँगा समस्त आप लोगों को कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश करेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर नाम किया। वेदांत जी आप आगे बढ़िए, मिथिला के आने वाले आप एक बहुत बड़े एक नायक के रूप में आप होंगे, हमारी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है। फिर से आहा सबके हम गोर लगे छी, प्रणाम करे छी, कोटि कोटि नमन करे छी, धन्यवाद।